Good afternoon. Good afternoon, class. देखिए, जैसे आपको पता है ये लैब है और अभी आपको इस सेमेस्टर में जो पीएसपीपी सॉफ्टवेयर जो पिछले सेमेस्टर में आप लोग ने लैब में किया था उसी को कंटिन्यू करना है एडवांस लेवल में, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या था, बेसिक नॉलेज हम लोग को मिली कि मतलब कैसे पीएसपीपी सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं, वहां पे डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं। इस सेमेस्टर में आपको वही पीएसपीपी सॉफ्टवेयर पे ही काम करना है, लेकिन एडवांस लेवल। ओके, अभी देखिए लैब में दो तीन चीजें मैं पहले से बता दूं। देखिए, अभी लैब में क्लास में सबसे पहले तो आप मोबाइल से बिल्कुल भी ऑनलाइन बताइए, आप जो ऑनलाइन आप जो है लैपटॉप से क्लास अटेंड करिए, लैपटॉप की हेल्प से क्लास अटेंड करिए, वो बेटर होगा आप लोग के लिए। क्योंकि क्या होगा ना, इससे आप क्लास के साथ साथ उस लैब को परफॉर्म भी कर पाएंगे। और क्योंकि इस बार लैब जो है इन्होंने 2 घंटे की दी हुई है, तो इसमें अभी हम लोग को क्या करना है, मैं पहले बता दूंगा क्या आपको लैब क्या असाइनमेंट क्या है, कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद आप उस लैब को परफॉर्म करिए और उसका सबमिशन भी उसी टाइम पे आप गूगल क्लासरूम पे कर दीजिए, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पर फाइल एक, अच्छा एक चीज और है, गूगल क्लासरूम जिन लोग ने नहीं ज्वाइन किया है उनके लिए मैं वापस फिर से यहाँ पर कोड अभी भेज रहा हूँ यहाँ चैट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है गूगल क्लासरूम ज्वाइन, क्योंकि वहां मुझे अभी सारे स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को कोड सेंड कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने लिंक शेयर किया हुआ है गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए, तो जिन्होंने गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है उसको ज्वाइन कर लो सबसे पहले। तो इसके बाद मैं एक फाइल शेयर कर रहा हूँ जो आपका लैब असाइनमेंट नंबर 1 है, और ये अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, फाइल शायद शेयर नहीं हो रहा है।
मैं इस फाइल को ऐसा करता हूँ, आपके ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उधर भी, उधर सेंड कर दे रहा हूँ और गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है? इससे ये फाइल आप लोग को मिल जाएगा। मैंने फाइल गूगल क्लासरूम पर अपलोड कर दिया है, उधर से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं फाइल को, और व्हाट्सएप पे भी भेज दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो लैब है ग्रुप 4-3 के लिए है, ठीक है? तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, मैंने ये जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है इधर असाइनमेंट 1 इधर भी सेंड कर दिया है, ठीक है? तो मतलब अभी आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। ये जो असाइनमेंट है ये कुल मिला के ये एक तरह से रिवीजन है आपके पिछले सेमेस्टर, ठीक है? मैं शेयर कर रहा हूँ इधर भी। देखिए, एक बार फिर से मैं गूगल क्लासरूम के लिए आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर ले गूगल क्लासरूम। और अभी मैं असाइनमेंट आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ इधर। ये आपका असाइनमेंट है, लैब असाइनमेंट नंबर 1। यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चनेयर दिया गया है और आपको डेटा ये पूरा फीड करना है। प्रिपेयर अ फॉर्मेट एंड कोड्स टू एंटर द फॉलोइंग क्वेश्चनेयर इन पीएसपीपी। तो मेरे ख्याल से सबके पास, सबके सिस्टम पे पीएसपीपी सॉफ्टवेयर होगा, तो बस आपको ये डेटा को उधर, आपको यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करने हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डू यू विजिट क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है? तो इसका आपको जो है विजिट फैमिली रेस्टोरेंट, इस तरह से आपको वेरिएबल क्रिएट करना है और वहां पर आपको जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो एज्यूम करके, प्रेडिक्ट एज्यूम करके जो भी आपके रिस्पॉन्सेज है उधर आपको वो मेंशन करने हैं, ठीक है? मैं एक दो क्वेश्चन करके बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग करिएगा।
जैसे क्वेश्चन नंबर टू यू टू है, डू यू विजिट क्यू क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट विथ फैमिलीज और फ्रेंड? तो यहाँ पर आंसर आपका है यस नो, ठीक है, ये दो आंसर है। इसके लिए आपको बी वेरिएबल क्रिएट करना होगा और उस वेरिएबल में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है, यस एंड नो। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, द रेस्टोरेंट इज एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबली लोकेटेड, ठीक है, तो मतलब जो है यहाँ पे जो ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 ऑप्शंस है इधर, ठीक है, तो उस यहाँ पर आपको उसकी लेबलिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रेस्टोरेंट आर्स आर कन्वीनियंट फॉर डाइनिंग नीड्स, ठीक है, यहाँ भी 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ इस तरह से, ये सारे क्वेश्चंस के वेरिएबल क्रिएट करने हैं और जो भी डेटा जैसा भी आपको मतलब कि एज्यूम करके आप डेटा उधर जो है फीड कर सकते हो, बस इतना ही काम करना है इसमें। ठीक है, ये आपका PSPP सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वेरिएबल व्यू पे जाना है और यहाँ वेरिएबल व्यू पे आपको वेरिएबल क्रिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अभी मुझे वेरिएबल क्रिएट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डू यू विजिट क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट? तो हाउ मेनी टाइम्स मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा, 1, 2, 5, 10, 11 मतलब नंबर्स में होगा कुल मिला के, ठीक है, तो कुछ भी आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख दीजिए जिससे आपको समझ में आए कि हाँ ये क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन लिखना यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जैसे विजिट इस तरह से नंबर ऑफ, यहाँ पे स्पेस तो दे नहीं सकते, नंबर ऑफ टाइम्स विजिट, ठीक है, इस तरह से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आपका टाइप जो होगा वो न्यूमेरिक है, ठीक है, आपको आंसर यहाँ पे न्यूमेरिक मिलने वाले हैं और बाकी चीजें ये सबसे कोई मतलब नहीं है, लेबलिंग यहाँ पे आपको करनी नहीं है, ठीक है, एक सेकेंड। ये सिस्टम मेरे ख्याल से थोड़ा सा हैंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये सिस्टम हैंग हो रहा है। हाँ ठीक है, स्केलिंग में ऑर्डिनल रखते हैं, नॉमिनल नहीं है, डेटा मतलब जो भी डेटा यहाँ से निकल के आएगा उसका कुछ मतलब होगा, ठीक है, अगर नॉमिनल डेटा है जैसे यस नो आंसर है या ऐसा कुछ डेटा है तो उधर आप नॉमिनल के साथ जाओगे। ये खैर ये सारी चीजें आप लोग ने तो पढ़ी होगी लास्ट सेमेस्टर में, तो इसको मैं इतना नहीं बता रहा हूँ डिटेल में। इसके बाद ये आपके वेरिएबल ये आपने क्रिएट कर दिया, इसी तरह से हर क्वेश्चन को आपको वेरिएबल क्रिएट करना है, ठीक है, जहां लेबलिंग करनी है वहां लेबलिंग कर दीजिए और जहां पे नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे ये सारी चीजें आप लोग लास्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, ठीक है, ये एक तरह से रिवीजन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, डू यू विजिट क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट विथ फैमिली और फ्रेंड्स? यहाँ पर आंसर क्या है, यस नो। तो क्वेश्चन तो दूसरा जो वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हैं वो है विजिट विथ फैमिली और
फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से आप मतलब कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें आपको समझ में आ रहा हो। क्योंकि यहाँ पर आंसर यस नो में होगा तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए जाओगे, ठीक है। और स्केल यहाँ पर आप इसमें नॉमिनल रख दो। और क्योंकि आंसर यहाँ पे यस नो दो हैं, तो यहाँ पे लेबलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। वैल्यू वन, वैल्यू लेबल यस, वैल्यू टू, वैल्यू लेबल नो, ठीक है। उसको ओके कर दीजिए। इस तरह से काम करना है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए इसमें, तो आप लोग करिए, करना स्टार्ट करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी लेबलिंग करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन लिखिए, द रेस्टोरेंट इज एक्सेसिबल एक्सेसिबली लोकेटेड। यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो देर आर 5 ऑप्शंस, तो आपको 5 बार लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। 1 स्ट्रॉन्गली एग्री, 2 एग्री, 3 न्यूट्रल, 4 डिसएग्री, 5 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट करिए, अभी करना स्टार्ट करिए। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। और करने के बाद अभी आप लोग को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उसको शेयर करना है गूगल क्लासरूम पर। अगर अभी नहीं शेयर किया तो फिर मैं नॉन कंडक्शन में दिखा दूंगा, जो जिन्होंने नहीं किया। सर एक्सक्यूज, हेलो, हेलो सर। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम। सर सेकंड क्वेश्चन में सर आपने कहा कि लेबलिंग वन टू करनी है सर, यस और नो की, और सर फिर स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री, सर वो हम लोग किसमें करेंगे डेटा व्यू में। हाँ बिल्कुल, जैसे स्ट्रॉन्गली एग्री, वन एग्री, टू, इस तरह से 1 2 3 4 5। क्योंकि हम लोग जो है जब फीड करते हैं तो डेटा ही जो नंबर्स में ही फीड कर पा सकते हैं ना, तो 1 का मतलब एग्री, 2 का मतलब डिसएग्री, इस तरह से। जैसे कि अगर मैं एक बार और फिर से सर शेयर, जैसे इसमें क्वेश्चन हाँ सर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वन टू फाइव जैसे आपने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो ऐसा कर दो कि स्ट्रॉन्गली एग्री 1, एग्री 2, न्यूट्रल 3, डिसएग्री 4, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री 5, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम? सर, जैसे पहले वैल्यूज रहती थी, नंबरिंग रहती थी सर, तो और सर इस बार स्टेटमेंट है, तो सर स्टेटमेंट को कैसे वो करें डील करें। मतलब उसका वेरिएबल नेम की बात कर रहे हो? वेरिएबल नेम की सर बात कर रहे डेटा हो? व्यू में जैसे पहले हम लोग सर नो सर, नो सर, सर हम लोग वेरिएबल नेम में, सर वेरिएबल व्यू में तो हम लोग डाल चुके हैं ना सर, विजिट विजिट विद फैन यस और नो हो गया सर। उसके बाद हम लोग डेटा व्यू में स्विच करेंगे, तो सर हम लोग वन टू स्ट्रॉन्गली एग्री डिसएग्री उसको तो डाल देंगे, लेकिन सर जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग करते थे तो न्यूमेरिकल वैल्यूज रहती थी, लेकिन सर इस टाइम स्टेटमेंट्स हैं, तो सर उनको कैसे डालें। नहीं, अरे तुम नहीं समझी।
एक सेकंड में बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है आप लोग को अभी क्यों वेरिएबल कंफ्यूजन हो रही है। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है और जैसे कि ये द रेस्टोरेंट इज एक्सेसिबली लोकेटेड, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मतलब चीज जैसे एक्सेसिबली लोकेटेड, ये तुम्हारा वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसको लेबलिंग कर दी 1 2 3 4 5 में, वो बता दिया। अभी जब डेटा फीड करेंगे तो वहां पर सब हर एक इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट का मुझे डेटा फीड करना है, ठीक है। वो अभी सपोज वो आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज आपने एज्यूम किया कि आपने 10 लोगों के रिस्पॉन्सेस लिए, ठीक है, तो तुमने क्या किया, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच ये इतने रिस्पोंडेंट हैं और इनका ये आंसर है, उस समय आपने डेटा को फीड कर दिया, ठीक है। अभी अच्छा ऐसा करो, फिर मैं वो चीज मैं बाद में बता दूंगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी आपको केवल आप लोग केवल इतना काम करो कि वेरिएबल क्रिएट करो, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हुँ? उसके बाद अगला फिर मैं बताता हूँ, पहले वेरिएबल सारे क्रिएट कर लो, ठीक है, फिर अभी स्टेप वाइज चलेंगे ना तो चीजें समझ में आएगी। तो सर सारे क्वेश्चंस के वेरिएबल क्रिएट कर लें। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कितने वेरिएबल क्रिएट होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में कई पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 वेरिएबल इधर हो गए, फिर उसके बाद 9 10, हाँ, और ये डेमोग्राफिक डेटा का भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसको एनालाइज नहीं कर किया जा सकता, लेकिन बिल्कुल आप इसको वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारे वेरिएबल आप लोग पहले क्रिएट कर लो। इस असाइनमेंट में बस यही आपको काम करना है, आपको वेरिएबल केवल क्रिएट करना है और वो कोडिंग वगैरह करनी है। डेटा कैसे फीड करेंगे वो मैं बता दूंगा। एक चीज और यहाँ पे की जा सकती है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो पहला वेरिएबल है, आप लोग करते रहिए साथ में सुनते भी रहिए, एक जैसे ये पहला वेरिएबल है आपका, हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर डू यू विजिट क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट, ठीक है, तो वेरिएबल नेम में तो हम लोग के पास रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम ज़्यादा उसमें वहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते हैं और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो हम लोग वो जो भी डिटेलिंग होती है वो लेबल में जाके कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर यू visit QR chat.
फैमिली ठीक है, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा हाँ यहाँ ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में किया जा सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। कोई भी नाम रख ले यहाँ पर, एक्सेसिबिली लोकेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर होगा न्यूमेरिक होगा, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिक ही है, आंसर तो न्यूमेरिक ही है, भले 1-2 में ही तो आंसर है, ठीक है न्यूमेरिक है। उसके बाद अच्छा ये फिर हैंग हो गया सिस्टम, चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ अभी लेबल पे जाके हम डिटेल बता सकते हैं यहाँ पे। द रेस्टोरेंट अभी यहाँ पे लेबलिंग करनी है, ठीक है। तो वैल्यू 1 वैल्यू लेबल स्ट्रॉन्गली एग्री, वैल्यू 2 वैल्यू लेबल हो गया आपका एग्री, यहाँ पर 3 वैल्यू लेबल न्यूट्रल, फोर डिसएग्री, फाइव स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। ओके इस तरह से करना है।
इस तरह से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर टू भी हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए, हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट द क्यू आर जेड फैमिली रेस्टोरेंट। तो बिल्कुल यहाँ भी हाईली सेटिस्फैक्ट्री 1, सेटिस्फैक्ट्री 2, न्यूट्रल 3, अनसेटिस्फैक्ट्री 4 एंड हाईली अनसेटिस्फैक्ट्री 5। ठीक है, इस तरह से आपको वैल्यू लेबल लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ व्हाट कुड वी डू मेक योर रेस्टोरेंट ड्यूरिंग एक्सपीरियंस बेटर। अच्छा, तो ये तो मतलब इसको आप नॉमिनल में लेके जाओ और यहाँ पे आंसर तो आपको न्यूमेरिक तो होगा नहीं, ठीक है, और इस डेटा को आप एनालाइज भी नहीं कर सकते हो, तो इसको फीड करने का तो कोई मतलब नहीं है। व्हाट कुड वी डू टू मेक योर रेस्टोरेंट ड्यूरिंग एक्सपीरियंस बेटर, तो इस डेटा का उतना रेलेवेंट है नहीं इस यहाँ पे पीएसपीपी में, क्योंकि ये यहाँ पे जो डेटा मिलेगा उसको मैं एनालाइज नहीं कर सकता किसी भी तरह से, उसका कोई मतलब नहीं है करने का। और उसके बाद आपका आता है नेम, तो ये ठीक है, नेम होना चाहिए, नाम जो आपके रिस्पोंडेंट का, कैसे आपको पता चलेगा, हाँ अगर 100 रिस्पोंडेंट है ए बी सी डी ई एफ इस तरह से, तो आपका नाम होना चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए। एज, ठीक है, अगर आपको सपोज डेटा को एज के बेसिस पे उसको डिवाइड करना है, एज के बेसिस पे आपको सेगमेंटेशन करना है, ठीक है, कि सपोज मेरे पास रिस्पोंडेंट हैं जिनकी एज सपोज 14 ईयर से 70 ईयर तक है, लेकिन अभी मुझे जो डेटा चाहिए सपोज मुझे केवल यंगस्टर्स का चाहिए जो जिनकी एज 25 से कम है, तो मैं अगर मेरे पास एज होगी सबकी तो मैं आसानी से उसमें पता कर सकता हूँ कितने लोग हैं जिनकी एज 25 या इससे कम है, और फिर मैं उस डेटा को एनालाइज कर सकता हूँ, तो इसलिए एज जरूरी है। ठीक है, तो एज के लिए आप बस केवल एक नॉमिनल डेटा, नॉमिनल आपको वेरिएबल क्रिएट करना है और एज के नाम से, और उसमें कुछ भी नहीं करना है, और न्यूमेरिक होगा, जो भी उसमें रिस्पॉन्सेज आएंगे वो न्यूमेरिक होंगे। उसके बाद जेंडर, नॉमिनल स्केलिंग होगी जेंडर में, मेल फीमेल, मेल को आप 1 से लेबल करोगे और फीमेल को आप 2 से लेबल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यहाँ भी 1, 2, 3, 5 आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 1, 2 आपको यहाँ भी आपको लेबल करना लगाना होगा। ठीक है, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ये, क्योंकि थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी और मुझे नहीं लगता और किसी में कुछ प्रॉब्लम होगी, ये मैं बता देता हूं। यहां वेरिएबल व्यू पे गए, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, और यहाँ पर लेबल में गए, यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे वैल्यू भी आपको बतानी होगी, यहाँ पे वैल्यू 1, और वैल्यू लेबल क्या होगा आपका 1, ठीक है, इस तरह से पहला ऑप्शन यही है ना, 2, 3, 5, क्योंकि हम लोग यहाँ पर नंबर फैमिली मेंबर्स को 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से रिस्पॉन्सेस नहीं ले रहे हैं, हमने केवल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 to 2 मतलब किसी फैमिली में अगर 1 या 2 मेंबर है तो वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा सकता है, किसी फैमिली में अगर 3 से 5 के बीच मेंबर है तो वो ऑप्शन नंबर 2 के लिए जा सकता है, किसी फैमिली में अगर 6 to 10 मेंबर्स है तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जा सकता है, और 10 से ज्यादा है तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा सकता है।
तो इसलिए हम लोग वहां पे हम लोग को लेबलिंग करनी पड़ेगी। थ्री थ्री में हो गया 6 to 10 और 4 में 10 ऐड करके ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से करना है। यहाँ सारे देखिए वेरिएबल आते चले जा रहे हैं वेरिएबल व्यू में। कुल मिला के इस असाइनमेंट का मतलब यही है कि आपको जो पुरानी चीजें हैं वो रिकॉल करनी है, पुरानी चीजें जो आपने पिछले सेमेस्टर में किया हुआ है वो आपको याद आ जाए, कैसे डेटा फीड किया जाता है वो आपको जो है एक बार फिर से जो है आप लोग करके उसको मतलब आपके याद आ जाए वो सारी चीजें। ठीक है, इसीलिए ये असाइनमेंट कराया जा रहा है। बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट से हम लोग जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। अभी अगर देखिए अभी मेरे ख्याल से टाइम तो 5 बजे तक है, मगर अभी इस असाइनमेंट में कुछ बताने को नहीं है, मगर आपका सबमिशन मुझे आज भी चाहिए। तो आप लोग जो भी असाइनमेंट है उसको अभी आप लोग परफॉर्म करिए और सबमिट गूगल क्लासरूम पर करिए। ठीक है, इसी टाइम इसी ड्यूरेशन में। बाकी ये क्लास ओवर होने के बाद रिज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग उधर पूछिएगा, मैं फिर बता दूंगा, मगर यहाँ पे रिज्वाइन मत करिएगा। ठीक, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी इसमें कुछ बताने को है इस असाइनमेंट। और दूसरी चीज़, मैंने अभी जैसे बोला था कि आप लोग जो भी जिसने भी गूगल क्लासरूम को नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें। मैं एक बार फिर से लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल क्लासरूम के लिए।